न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी मैंने विदिशा, गुना और राजगढ़ जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया। लगभग 25 गांव विशेषकर विदिशा जिले में ज्यादा हैं, लेकिन गुना में भी राजगढ़ में भी कुल मिला के 25 गांव पानी में घिरे हुए हैं। बेतवा का जल स्तर अभी कुछ जगह स्थिर है, लेकिन गांव गड़ला ताजला जैसे गांवों में ग्रामीण बुरी तरह से फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हम वोट के माध्यम से भी निकाल रहे हैं लोगों को। एक ऑपरेशन में स्वयं मैं गया, वोट के माध्यम से लोगों को निकाल के लाए, और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी, दो दो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के ऑपरेशन में लगे हैं। एनडीआरएफ लगी है, एसडीआरएफ लगी है, जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसपी और स्थानीय जो हमारा प्रशासन है वो पूरी ताकत से लोगों को बचाने में और निकालने में लगा हुआ है। संपत्ति के नुकसान का आकलन हम बाद में करेंगे, क्योंकि फसलें भी डूबी है और घर भी डूबे हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता है लोगों की जिंदगी बचाना। अभी एक बार मैं फिर कुरवाई तक विदिशा जिले में अभी फिर जा रहा हूँ, रायसेन जिले से लौटते हुए वापस आऊंगा, और गड़ला ताजला जैसे गांव में लोगों को कन्वेंस करने का हम प्रयास करेंगे कि वो आज रात के पहले बाहर निकले, क्योंकि छत पे खड़े हैं और वहां भी पानी है। तो कोशिश यही होगी कि एक भी जिंदगी ना जाए, हम सबको सुरक्षित बचा लें।